तो भाई आज हमारा तीसरा दिन, और क्या कहते हैं, सुबह 8:30 बजे उठ गए थे, तो अभी बज रहे 9:30, और हम नहा धो के रेडी है। अब चलते हैं, अभी 50 किलोमीटर हमें चोपटा जाना है। हमने 50 किलोमीटर पहले रूम ले लिया था, तो सबसे पहले चलते हैं चोपटा, वहाँ से फिर ट्रैकिंग करेंगे 4 किलोमीटर की तुंगनाथ महादेव जी की। दिखाते हैं आपको सफ़र का नज़ारा और पूरी जानकारी देंगे क्या तुंगनाथ का ट्रैक कितना बड़ा है और क्या क्या मतलब किस किस के थ्रू आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, घोड़ा खच्चर भी है या फिर केवल एक पैदल ही मार्ग है। और बताते हैं, जो मैंने सुना है कि तुंगनाथ की बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो उस हिसाब से देखते हैं हमारे हम क्योंकि कल ही केदारनाथ से उतर के आए हैं भाई। 50 किलोमीटर 24 घंटे के अंदर मायने रखता है, तो थकावट तो बहुत है, तो देखते तुंगनाथ भी कर पाते हैं या फिर हमें भी खच्चर घोड़े से जाना पड़ेगा, वो चलो चल के देखेंगे भाई। हर हर महादेव, करते अपनी ट्रिप की 3rd डे की शुरुआत। काला चला गोरा होने है, एक मूवी बना दो तेरे पे, कालू जी चले गोरे होने है भाई। तो भाई पराठा खाते, चाय पीते, फिर चलते आगे की तरफ। मैंने तो इतनी सी और हाँ भाइयों, एक बात और, अगर आप केदारनाथ की ट्रिप कर रहे हो ना, तो यहाँ से ये लगा लो 90 किलोमीटर सोनप्रयाग से ये पड़ता है चोपटा, चोपटा से आप गाड़ी खड़ी करके तुंगनाथ महादेव जी की भी यात्रा कर सकते हो। 4 किलोमीटर की है बस, और क्या कहते हैं, इसकी भी उतनी ही वो मतलब मान्यता है जितनी केदारनाथ धाम की है ना उतनी, क्योंकि ये भी 5 केदारों में आता है, 5 केदारों में, जो जिसमें से 4 के उत्तराखंड में है और 1 केवल नेपाल में है। हर हर महादेव। तो भाई अब ड्राइविंग सीट पर आ गए हम, और चलाते हैं चोपटा तक की ड्राइविंग हम करेंगे, और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे ट्रैक चोपटा, उसका तुंगनाथ महादेव जी का ट्रैक दिखाते हैं आपको। चलते हैं भाई, चलो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा की। तो भाई अपनी गाड़ी में हो गया है तेल मम, बिल्कुल जो ये है ना, क्या कहते हैं, जो इसकी सुई की डंडी बिल्कुल खत्म हो गई है, 0 पॉइंट। तो भाई तेल का पेट्रोल पंप देख रहे हैं, और अब यहाँ से मतलब डिस्टेंस रह गया 1 किलोमीटर पेट्रोल पंप का। कितना रहेगा बोलू? 1 किलोमीटर, एक नहीं भाई, 1। ठीक है, चलो अब डलवाते हैं तेल। फुल टैंक बिल्कुल इम्पिटी हो चुका है। तो भाई पहुंच गए पेट्रोल पंप पे, करवाते अपनी इम्पटी, इम्पटी गाड़ी को फुल कराते हैं हम अपनी भाई। जैसा कि भोलू भाई ने बताया था अभी, इम्पटी गाड़ी को फुल कराओ, क्योंकि गाड़ी को तेल पिलाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर हमें अपने सफर को सुहाना बनाना है तो। चलो भाई दिखाते हैं कितने का तेल आते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल ये डंडा बिल्कुल खत्म हो गया। तो चलो देखते भाई जितने का भी तेल आता है बताए। इम्पटी भी करवा लिया गल में, तो भाई अपना नंबर आ गया, करवाते हैं फुल। गाड़ी में जो तेल आया वो लगभग आया है 5,000 रुपये का भाई साहब, 54 लीटर के लगभग, और 4,920 रुपये, बहुत बढ़िया। इस बार तो गाड़ी ने पूरा तेल लियो, क्योंकि खाली हो गई थी बिल्कुल भाई, करते भी क्या। तो भाई तो गाड़ी में तेल करवा लिया है फुल, 5,000 को तेल आगा भाई, और अब डिस्टेंस बचा हमारा, सॉरी किलोमीटर 45, क्योंकि मैं बोलू के साथ रहने लगा ना, तो डिस्टेंस आ गया हम उनसे। तो अब चलते हैं अपनी लोकेशन पर। तो भाई हमारे आगे चल रही है गोड कार, दिस इज द कार फॉर क्या बोला वा, अल्टीमेट ब्रांड, अल्टीमेट हाँ वो। और इसको गोड कार क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई आप इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हो, कहीं पर भी जहाँ आपका मन करे वहाँ ले जाओ। और क्या करूँ, इंग्लिश बोलो भाई, एक मिनट बोल। इतना ज्यादा कंफर्टेबल है भाई इसके अंदर, मतलब पीछे वाले बंदे तो कभी थक ही नहीं सकते भाई, 5 जने जाओ तो मान लो अल्टीमेट ट्रिप लगती है भाई। हाँ। और भाई साहब चलाने मतलब थोड़ी पावर कम है इसके अंदर, पावर थोड़ी सी कम लगती है, नहीं पावर हो तो बस लटकड़ जा भाई। तो फिर मतलब एक और गाड़ी लेने का सोचा, ये यही वाली कार नहीं, अभी नहीं, XL6 लेते या फिर बुलाते हैं, मतलब लेनी गोड कार ही है, लेनी गोड कार ही भाई। ओके भाई, तो इस कार की यही खासियत थी भाई। हाँ भाई, और कोई खासियत है भाई? जो कार बनी है ना, हाँ
ये हमारे पर्पस से बनी थी भाई। अच्छा। ये हमने कह के बनवाई थी भाई। ठीक है भाई, तो हमारा बहुत बड़ा योगदान है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, एक फोन आ गया। हेलो, आगे तो झूठ बोलेगा ना तो डंडे तैयार है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, झूठ कुछ नहीं। आपने देख लिया होगा, फोन आया था भाई अभी एक मारुति सुजुकी रेट से। हाँ, ये वीडियो मतलब लाइव है, ये वाली लाइव है। ये भरत चुप पड़ा है साले, कुछ कोई मतलब नहीं किसी से। तो भाई अभी रह गया बस 1.5 घंटा रह गया, और व्यू तो एक नंबर का है भाई, एक नंबर का सीन है। गाड़ी से आओ, व्यू आगे बैठो, यहाँ कर कैमरा है, यहाँ तो कर कैमरा, तो दिखाऊं। अभी तू आगे बैठो, तो हमारा फार्म भर पीछे बैठा रहा, तूने पढ़ा रहा तो मुंगर की याद आ रही है। अभी आगे बैठो, हमारे थोड़े पीछे बैठ कर उल्टी आ जाओ यार, इसलिए आगे बैठे हैं। नितिन गाड़ी चला रहा, अभी तो 1.5 घंटा चलाइए बस, और थोड़ा सा आगे चल के आपको बताते हैं फिर। भाई ने अपनी गलती नहीं बताई, इसने वो कर अपनी दिया। गलती भाई इसी ने करवाई, जो ये, बैठो है ना, फोर ले भाई, फोर लेना है, फोर लो। हाँ फोर लो, तो यू कर दिया तो भाई गाड़ी खींची नहीं यार अपनी, फोर लो में भाई। हाँ। जैसे गाड़ी फंस जाती है ना। अच्छा, मैंने जैसे तुम्हारी गाड़ी, तो मैं हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, फोर लो, दिखा दे एक बार अपना गाड़ी निकल जाती है भाई अपना। ओ अपना, ओ भाई अब तो यही लेनी है अपना। अरे मतलब बहुत ज्यादा पावर आ जा। अच्छा कितनी पानी देख, और पावर बढ़ जाए इसकी गाड़ी की। हम चला रहे हैं, अब किस पर चला रहे हैं? पूरा यू उल्टी क्यों ना जा रही यू बहन, तो फिर तो लो मार भी चली जाएगी ना जा रही। तो भाई हमने कट ले लिया है अपना तुगनाथ जी के लिए, ओखे मठ से, ओखे मठ के लिए जो कट है ना वही कट तुगनाथ जाता है। तो पहले तो हम मुड़ गए थे दूसरे रोड पे, फिर पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये रास्ता जा रहा है तुगनाथ, बट ये सिंगल रास्ता है। जो मैप दिखा रहा है ना वो हमें दूसरा रास्ता दिखा रहा था, वो बड़ा हाईवे होगा, ये मुझे सिंगल रोड लग रहा है शायद। पर जैसे भी आप, हमने ले लिया है रास्ता, देखो आप बिल्कुल सिंगल एक गाड़ी का रास्ता है, इसीलिए मैप ये गाड़ी ये रास्ता नहीं दिखा रहा था, मैप इसीलिए दूसरा रास्ता दिखा रहा था। कोई नहीं, अब तो हम इसी रास्ते से चलेंगे, देखते हैं ये रास्ता बढ़िया है या दूसरा रास्ता बढ़िया, वो तो अभी पता लगेगा, मैं आपको भी जानकारी दे दूंगा कौन सा रास्ता ज़्यादा बढ़िया है। चलो देखते हैं फिर भाई, मुँह तो यू ही बढ़िया लग रहा है, यू क्यों सीधा है या पोल्ट्री होने के चांसेस कम है भाई। रास्ता छोटे के साथ साथ मज़ेदार रास्ता भी है, बिल्कुल नज़ारा मतलब जो रास्ते में हमने अभी तक नहीं देखा वैसे वैसे नज़ारे दिख रहे हैं हमें इस रास्ते पे तुगनाथ के लिए। इस नज़ारे का मज़े ले रहे हैं हम भी और आप भी। लोग दिखा भाई, चुनिया भाई, सबको दिखाओ व्यू, दिखा दो व्यू दिखा, पीछे वाला दिखा ना, कौन सा वाला? भोलू वालो। अच्छा भोलू वालो, हाँ मुँह के दिखा वो तू व्यू है हमारे पब्लिक को, हमें वीडियो पर लाइक और कमेंट ना चाहिए तो भाई बस 1 घंटा और टूटा हुआ मंदिर के दर्शन, फिर सीधा डायरेक्ट एक धुआं कट रहा, देख देख लियो SBI में गए ने, ले जल्दी जा। ऐसा जंगल, पेड़ ही पेड़, देखो दिखा आगे, दिखा ना तू क्या रास्ता है भाई, एक नंबर को कसम से यार, ग्रीनरी फुल सिंगल रास्ता। और भाई हम सोच रहे अगर फोटो खिंचवा गलती तो चीता भी ताका, तो भाई चीता है, तेंदुआ है भाई, यहाँ बहुत तेंदुआ है। मैं एक वीडियो हमें कल एक रात को दिखा भी था भाई, जब हम त्रियुग नारायण टेम्पल से आ रहे थे महादेव जी के, तब दिखा था भाई, बहुत ही सुंदर रास्ता दिखा भाई, यहाँ की तो वीडियो बने है भाई, बनाता रहे तू इसकी तो बढ़िया वीडियो, और हवा एक नंबर की, हवा क्या ठंडी हवा है,
ये थोड़ा सा, ये क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज, व्यू एक नंबर का भाई। निकल जाएगी, निकल जाएगी भाई, मैं तो ना खींचू फोटो, देख फोटो शूट चल रहा भाई, एक नंबर का सीन आ रहा है। थोड़ा सा व्यू को मिल जाए ना, जैसे पेट ना साइड अप देख, बोलू राउट के देख, बोलू देख राग देख, भाई जो ये केदारनाथ से तुंगनाथ तक का सफर है ना, ये चोपटा तक का भाई बहुत ही ज्यादा सुहाना रास्ता है, मतलब लाइफ में एक दो बार तो जरूर करना चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो रास्ता आप दिखाइयो भाई, मतलब अलग ही रास्ता है, ऐसा रास्ता मैंने मतलब एक्सपीरियंस नहीं करा कभी पहले। तू रास्ते पे रख, तू रास्ता ही दिखा ऐसा रास्ता मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, ऐसा छोटा रास्ता और बिल्कुल ग्रीनरी, बिल्कुल ग्रीन, ए टू जेड, ए टू जेड। और भाई क्या कहते हैं, बर्फ वाले पहाड़ दिखने शुरू हो गए, वो सारे देख लेफ्ट में बर्फ वाले पहाड़, ये देखो भाई ऊपर तक, ये तो पेट है लेफ्ट में तेरे में, अरे सॉरी यार मतलब पेट दिखा रहा हूँ मैं, पेट दिखा रहा हूँ भाई, पेट देख भाई तो सही, हाँ हाँ भाई पेट दिखा रहा हूँ मैं, देख बोलू खतरनाक मौसम हो रहा होगा कसम से, ये तो छोटा सा पुल है, देख केदारनाथ से तुंगनाथ तक का सफर जरूर करे एक बार, बहुत ही मजे आ जाएंगे आपको, गाड़ी से करना, मोटरसाइकिल था ना, मोटरसाइकिल था तो और ही गजब है, हाँ फिर नो कहना यार, थैंक यू यार, और क्या मोटरसाइकिल था और डबल मजा है, ये सीन एक नंबर के भाई, यहाँ बोल को दिखाइयो भाई, हमारा ड्राइवर साहब, ओए होए, ये तो जन्नत है भाई, जन्नत जन्नत आ गए हम, महादेव जी पर बसी हर जगह, ऐसी स्वर्ग में बस रखे हर जगह, तुंगनाथ में भी स्वर्ग, केदारनाथ में भी स्वर्ग, हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग है, अमरनाथ और आदि कैलाश की तो बात ही क्या है भाई, हर हर महादेव। मंदी मंदी चल यार, भगवान कसम भाई, बिल्कुल जैसे मनाली में हम जाते हैं ना रोहतांग पास की चढ़ाई करते हैं, ऐसा रास्ता है बिल्कुल, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई और चढ़ते ही जा रहे हैं, चढ़ते ही जा रहे हैं, इसका अंत नहीं आ रहा है अभी तक, और बिल्कुल ऐसी खड़ी, बिल्कुल जैसे वो वहाँ पे है ना सांप बन जाता है रोहतांग पास, अगर आप गए होगे तो आपको पता होगा, बिल्कुल ऐसे साफ साफ सा रास्ता बनता है सांप की तरह, और यहाँ भी बिल्कुल सेम ही है भाई, चढ़ रहे हैं और सांप जैसे रास्ते पे, बिल्कुल एक नंबर का नज़ारा भाई, हर हर महादेव, और ये देखो हाइट देखो आप, यहाँ राइट में दिखाइए चुनिया, देखियो भाई साहब, ये है महादेव जी का स्वर्ग, महादेव जी का स्वर्ग, आप कश्मीर जन्नत में जरूर जाते होगे, पर कश्मीर में भी पर महादेव है हमारे बाबा अमरनाथ, तो जहाँ महादेव वहाँ स्वर्ग ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता भाई, बोलो हर हर महादेव, जय बा फाइनली, मतलब गाड़ी लगाने के लिए गाड़ी रोक दी है अब ना, हापुड़ गाड़ी लगा रही भाई, दो कम से कम 2 किलोमीटर तक, मतलब कोई गाड़ी लगाने का वो नहीं, आगे जाके गाड़ी लगाने की जगह मिली है, अब मैं पीछे जाना होगा मतलब चढ़ने के लिए, थोड़ी सी सर ले लगी सी हल्की सी और ले ले, आंटा बस ठीक है, बस अपनी गाड़ी लगा दी भाई और अब चलते हैं यात्रा करते हैं। तो भाई गाड़ी लगा दी हमने, पार्किंग में तो नहीं लगाई, रोड पे लगाई है, जैसे सारी गाड़ी कम से कम 150-200 गाड़ी लगी हुई है पूरे में, ये अपनी गाड़ी लग गई अपनी भी, और अभी हमें वापस जाना है पीछे 500 मीटर, और ले लो सारा सामान ले लो जो जो मेन है, हाँ बस ठीक है, हेलीकॉप्टर की चढ़ाई भी है भाई, हेलीकॉप्टर भी जा रहे हैं और ये कुछ यहाँ से चोपटा का नज़ारा। तो भाई चलते हैं अपना यात्रा को स्टार्ट करते हैं, और आपको भी नज़ारा दिखाते हैं और रास्ता भी दिखाते हैं कि रास्ता कैसा है और क्या है, और सारी जानकारी भी देंगे तुंगनाथ के बारे में, क्या है महादेव जी का यहाँ पे खास बात, हर हर महादेव।
भाई लोग कश्मीर कश्मीर करते है, देखना भाई पूरा कश्मीर है, सोनमर्ग और गुलमर्ग सब मिक्स है भाई, चौपटा में हर हर महादेव। और ये भाई किस चीज की ट्रैकिंग कर रहे हैं भाई, ये नीचे तक कर रहे हैं? नीचे जा कहाँ रहे? पता ना बेरो। चल ठीक है, चल हम तो अपने शुरू करें, चलो। हाँ कैंप कुंभ में जा रहे होंगे रुकने, चलो।